पेट्रोलियम जो कि गांव की सीमा से सटा हुआ है, गंदगी का अंबार है। सड़क पर आने जाने वालों को खासी समस्या होती है, लेकिन हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अधिकारी सरकारी योजनाओं की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बता दें, सरकार ने प्रदेश भर में 55 घंटे का संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया है, जिसका उद्देश्य प्रदेश भर में स्वच्छता अभियान व सैनिटाइजर कराने का उद्देश्य रहा है। इसी उद्देश्य को लेकर गाजियाबाद में भी 55 घंटे का संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है। जिलाधिकारी गाजियाबाद अजय शंकर पांडे व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी लगातार क्षेत्र में भ्रमण भी कर रहे हैं। पुलिस कर्मचारी को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर बगैर किसी कारण से ना निकले और जो व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। प्रदेश में इस समय 55 घंटे का लॉकडाउन सरकार द्वारा जारी किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य एक तरह से बात करें तो स्वच्छता और सैनिटाइजिंग को लेकर के किया गया था। लेकिन हम आपको दिखाएंगे, इस समय मौजूद है गाजियाबाद के लोनी टीला शहबाजपुर गांव में, जहां पर सरकारी जो संस्थान है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जहां पर देश भर के लिए गैस सप्लाई की जाती है। सकता है कि पूरे देश भर में यहाँ से गैस की सप्लाई चाहे सिलेंडर के माध्यम से हो या ट्रकों के माध्यम से हो, यहीं से होती है। लेकिन सरकारी संस्थान ही इन स्वच्छता अभियानों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरह से, जो अगर बात की जाए तो गंदगी का आलम है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम गैस प्लांट है, उसका इमरजेंसी गेट ये पर मौजूद है। वहीं अगर हम आपको दिखाएं, जो ये सड़क आपको दिखाई दे रही है लोनी से दिल्ली के जो रास्ता मंडौली वहां पर जोड़ती है, लेकिन अगर गंदगी की बात करें तो जिस तरह जो जिलाधिकारी गाजियाबाद अजय शंकर पांडे ने कल दावा किया था कि जो लॉकडाउन जो 55 घंटे का किया गया है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि सफाई कराना है क्षेत्र में, ग्रामीण और देहात में सफाई करानी है और सैनिटाइज कराना है। और सरकार द्वारा ही उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन किया गया है, जिसका उद्देश्य केवल स्वच्छता और जो सैनिटाइज करने का था, कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ना तो यहाँ पर सफाई हो पाई है और ना ही सैनिटाइज। जबकि अगर बात की जाए तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम की जिम्मेदारी बनती है कि जो उसके दीवार के साथ जो सड़क के पास गंदगी है उसको ख़त्म किया जाए, उसको काटा जाए। लेकिन बार बार शिकायत करने के बावजूद भी अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आखिर जो 55 घंटे का लॉकडाउन प्रदेश सरकार ने किया था, वो कैसे सफल हो पाएगा? जयवीर मावी, के न्यूज, गाजियाबाद। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।